जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं ओही माता की व्रत की कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष 17 अक्टूबर को ओही अष्टमी का व्रत है, जिस संतान के स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। आइए सुनते हैं ओही अष्टमी व्रत की कथा। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने सात बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से साही का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों के साथ एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर वह चिंतित हो गई। उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने उनको एक उपाय बताया कि सुरही गाय की सेवा करें। सुरही गाय की सेवा से खुश होती हैं और छोटी बहू से पूछती हैं कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे अपने साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुण पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुण पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास ले जाती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से खुश होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और उसे घर जाकर ओही माता का उद्यापन करने का आदेश देती है, जिससे उसे 7 पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।